हाय एवरीवन, कैसे हो? फिर से वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में कुछ मैं आप दिखाने वाला हूँ जीना, जीना के बारे में सारी चीज़ बताने वाला हूँ, किस तरीके जीना होता है। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, ठीक है। और जीने के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करें और शुरू करते हैं वीडियो। जीने बनाते हैं जो कितनी गलती कर देते हैं, आप जो देख रहे हैं वीडियो में, ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस जो जीना आप देख रहे हैं इसमें कितनी गलती कर दी है आपके। अगर नीचे इसके हाइट नापेंगे जीने की, तो यही मैं आपको दिखाने वाला था इस वीडियो में, किस जीने में क्या गलती करते हैं मिस्त्री लोग, क्या नहीं करते। तो आपने देख रहा करीब नीचे, तो करीब मेरे हिसाब से है इसमें 1.5 फुट माला है नीचे, 1.5 फुट, और ऊपर बैठेगा आपका करीब 1 फुट, ठीक है। तो 1 फुट ऊपर कमी बैठेगा, तो आपने कितनी बड़ी गलती कर दी उसमें। तो ठीक है, अब मैं आगे वाला जो जीना दिखाने वाला हूँ, जो आप ये वाला जो जीना देख रहे हैं ये बना हुआ है, ये जो गाटर पतन टुकड़ी में बना दिया हमने, तो अब इस पर हम दिखा रहे हैं इसमें मार्जिन कितना है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला जो जीना जिस स्टेप चढ़ के जा रहे हैं, इसमें एक्यूरेट बिल्कुल 1 इंची और आधे इंची में अंतर भी नहीं है बिल्कुल सीढ़ी में। तो वैसे जीना का मकसद और जो जीना जो प्लानिंग पूरी होती है, जो जीना कंप्लीट होता है, किस तरीके से होना चाहिए, इंजीनियर के हिसाब से भी यही होना चाहिए कि जितना ऊपर होना चाहिए मार्जिन और उतना लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। मतलब शुरू से और लास्ट तक पूरा टोटल होना चाहिए, क्योंकि उसमें ना ज़्यादा हो ना कम हो, ठीक है। और वैसे तो अगर स्लैब से और स्टेप से अगर नापेंगे, बीच गैप से नापेंगे, स्टेप दोनों के बीच में जो गैप होता है उसके नापेंगे, तो वैसे 4-5 इंची के मार्जिन में चढ़ता जीना टोटल इतना होना चाहिए ऊपर नीचे। अब जैसे आपने 1.5 फुट मार्जिन माल चढ़ा दिया, 2 फुट माल चढ़ा दिया, तो उसमें क्या है आगे के लिए जो फ्यूचर में जो जीना जो होता है स्लैब में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, क्रैकपन आ जाता है उसमें, तो उसके हिसाब से क्या जीना नहीं होना चाहिए ऐसा। तो जीना की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि मतलब आगे के लिए कोई दिक्कत नहीं आए। तो अब ये देख रहे हैं स्टेप हमारे जो स्टेप बने हुए हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें क्या है कि जो एक्रूट बना हुआ है इसमें जितने माल नीचे जितने माल ऊपर है, ठीक है। इसका जो साइज देख रहे हैं आप, ये इसका जो साइज देख रहे हैं, इसका साइज है हमारा करीब 7.5 इंची, 7.5 बाई 7.5 इंची बाई 10 इंची का स्टेप है। तो इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जीना अगर लोड अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है कि आगे के लिए उसमें बजा रहता है, तो उसमें स्लैब का थोड़ा डर रहता है। तो वैसे लोड नहीं होना चाहिए इतना, लेबर का ही लोड होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोड डालने से कोई लाभ नहीं होता है, ठीक है। और जब आप कभी जीना चढ़ा रहे हैं उसकी फिक्स नाप तोल करनी चाहिए, एक्यूरेट करके उसको नाप तोल करके उसको चढ़ाना चाहिए, ठीक है। और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं। अगर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।